और उसके बाद ही हम इसको रिवील करेंगे, इसका फेस उससे पहले नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे को मुंह दिखाई चाहिए और चाहिए। हाँ जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखो जी, आज मैंने ली है छुट्टी। छुट्टी मैंने इस चक्कर से ली है बिकॉज भैया हमारी मैडम को थोड़ी बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट है, सो उसके चक्कर से मैं उसके साथ जा रहा हूँ अभी इस टाइम पे मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए। अपनी मार्केट में नहीं जा रहा, थोड़ी सी दूर वाली जगह पे जा रहा हूँ। अब भाई साहब, हम अपने व्लॉग में यही सारी चीजें दिखाया करेंगे कि हम अपनी धर्म पत्नी की सेवा कैसे कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा कर रहे हैं। कॉल भी आ गई है कि भैया कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, जल्दी से आ जाओ, गर्मी बहुत है और हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। देखा, उन्हीं का कॉल है। हाँ मैं आ गया बाहर, तू आ जा। बाहर आके खड़ा हो? हाँ बाहर आके मैं खड़ा हो गया हूँ। हाँ पक्का, मैं बाहर आके खड़ा हो गया हूँ। फिर फोन क्यों नहीं किया? मैडम मैं आ गया हूँ बाहर, बस अभी भी जस्ट आया हूँ, तो आप आ जाओ। ठीक है ओके। अभी मैं घर के बाहर पहुंचा नहीं हूँ, मैं पार्किंग वाले एरिया में हूँ जहाँ पे अपनी गाड़ी निकालने के लिए आया हूँ, तो फटाफट वहाँ चलते हैं, नहीं तो भैया बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। वैसे भी शादीशुदा बंदे को बहुत मार पड़ती है, बात बात पे मार पड़ती है, बात बात पे। हाँ जी, आ गए हो आप तैयार शहर होके? फिर क्या सीन है आपका, बता दो हमें भी। मैडम क्या सीन है? कोई सीन नहीं है। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? मॉल ऑफ इंडिया जा रहे हैं। भाई साहब चेक कर रहे हो, मतलब छोटी मोटी जगह नहीं जाना, सीधा मॉल ऑफ इंडिया जाना है। ओ मी गो भैया, मैं तो गया। हाँ जी, तो यार आप सबके डीएम्स आ रहे हैं मुझे इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, तो बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि भाभी का फेस दिखाओ, भाभी का फेस दिखाओ। तो यार देखो, मैं भाभी का फेस तो दिखा दूंगा, बट ऐसे नहीं दिखाऊंगा, उसके बदले में मैं लूंगा आपसे मुंह दिखाई। 25,000 सब्सक्राइबर्स तो पूरे करवा दो, जैसे हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, हम भाभी का फेस रिवील कर देंगे। और नहीं हुए 25,000 सब्सक्राइबर, हम तब भी कर देंगे जब हम ट्रैवल करेंगे, बट जब तक हम ट्रैवल नहीं कर रहे ना, तब तक तो हम काम भैया ऐसे ही चलाने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, कभी कभी मौका मिलता है आप लोगों से कुछ मांगने का, तो अब हम मांग रहे हैं यार मुंह दिखाई दे दो, भाई मुंह दिखाई दे दो, तभी हम भाभी का फेस आपको फटाफट दिखा देंगे। तो 25,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो। ए, लड़की ने यहाँ का शीशा भी खोल लिया। मैडम जी एक तो मास्क ऊपर कर लो, क्यों हमारा चालान कटवाओगे, और दूसरा घर के भी आप शीशे हर वक्त देखते रहोगे और गाड़ी के अंदर भी शीशा देखते रहोगे। चलो गाड़ी वालों का शुक्र है कि उन्होंने शीशा अलग से दिया हुआ है, नहीं तो भैया ये वाला शीशा ना मैडम के पास ही जाता हमारी। हंस मत। तो भाई साहब मेरा बहुत ज्यादा वाला टाइम वेस्ट हो चुका है यहाँ पर। हम लड़के लोग तो शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो जाके ना चार शर्टें देखते हैं, चार में से दो शर्टें खरीद के घर वापस ले आते हैं, बट हमारी मैडम ने पूरी दुकान देख ली और पूरी दुकान देखने के बाद सिर्फ दो टॉप बहुत ही मुश्किल से निकाली है, और उसके अंदर भी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये लूं ना लूं, ये करूं ना करूं, ऐसे कैसे चलेगा। क्या हुआ फिर, आपको चीजें समझ आई कि नहीं आई? यार एक बात बताओ, इतनी जल्दी आपको चीजें समझ क्यों नहीं आती है? आप हंस रहे हो यार, मजाक है क्या यार? मतलब कम से कम हम लोगों ने ना यहाँ पे कितनी देर लगाई होगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगा दिए होंगे। लगाए हैं कि नहीं लगाए, जल्दी बताओ। 1 घंटा? 1 घंटा प्लस लगाया हमने, 1 घंटा नहीं 1 घंटा प्लस लगाया। और इतनी देर लगाने के बाद भी ना मैडम ने सिर्फ और सिर्फ दो टॉप्स ली हैं, और उससे ज़्यादा ना कह रही है कि अभी तो मैं जबरदस्ती, वो भी जबरदस्ती ली है, मतलब जबरदस्ती तो नहीं है, बट चलो अब क्या बोले। हाँ जी, पानी वाले चाहिए 2 नारियल, कितने के हैं? 120 के होगा। क्यों गिरी मार कर लिया? 60 रुपए चल गया सर, 15,000 का आज भर के ले गए। मियाँ जी बता दो, क्या आपको भाई कमेटी वाले 15,000 का आज भर के ले गए। चलो दे दो यार, दो बढ़िया देना पानी हो जितने। हाँ जी मजा आ गया फिर। हाँ जी, वैसे तो बहुत देर बाद नारियल पानी पिया, बट थोड़ा सा गर्म था यार। अब गर्मी तो है ना, और बाहर देखा टेम्परेचर 40-45 के आसपास चल रहा है, तो ये सब चीजें कैसे हैं। और हमारी मैडम भी खुश हो गई है, चलें घर वापस, चलें छोड़े मॉल ऑफ इंडिया। तो और ये यही था मॉल ऑफ इंडिया। चलें घर वापस।
चल यार चलते हैं यार। यार वहाँ जाके यार बहुत खर्चा हो जाएगा यार। हम लोगों ने आज ना टेको बेल से ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी और भाई साहब बहुत ऑसम टेस्ट है। शेक इतना अल्टीमेट है ना, थिक देखो कितना है, और साथ में ये मैक्सिकन स्टाइल में राजमा चावल, ओए होए विद स्पाइसी चटनी और डिप के साथ, तो लड़की खा के खुश हो गई है। हाँ वीडियो बहुत ज़्यादा यम्मी लगा मुझे, सारा कुछ मैक्सिकन फूड था तो सारा कुछ अच्छा लगा। हमने राइस बॉल ऑर्डर किया था एंड बुरेटो एंड चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। बहुत देर लगाते हो आप बोलने में, इतनी देर नहीं चलती। हाँ जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना ट्रैवल व्लॉगर से हट के फूड व्लॉगर बन जाता हूँ, बिकॉज आजकल ना सारा दिन यही हो रहा है कि कभी हम सुबह कहीं खाने जा रहे हैं, कभी हम रात को कुछ खाने पीने जा रहे हैं। तो यार आप बोलोगे कि मैं अपने व्लॉग के अंदर हर वक्त ना यही सारी चीज़ें दिखाई जा रहा हूँ, बट क्या करूँ, जब इंसान की शादी हो जाती है ना तो उसके बाद उसका ना यही रहता है कि कभी वो अपनी वाइफ के साथ कुछ खाने पीने जा रहा है, कभी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ खाने पीने जा रहा है। वैसे आज मैं दुकान पर गया था, ये नेक्स्ट डे है, दुकान पर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और अभी अशप्रीत आ रहा है, प्रीत आज भी लेट है हर बार की तरह, जैसे अशप्रीत होता है ना, तो अशप्रीत आज भी लेट है, और जैसे ही वो आएगा उसके बाद हम लोग मिलेंगे, कुछ हल्का फुल्का खाने पीने जाएंगे। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं खाने पीने का व्लॉग नहीं बनाऊंगा, अपनी मस्ती का व्लॉग बनाऊंगा। भाई खुद तो लेट आया है। हाँ मैं लेट आया हूँ। और क्या, हमें भूख लगी थी, हम चले गए थे कुछ खाने, भूख लगी थी। आई नहीं, मजाजी की पिटाई कर दे। हेलो आई नहीं, ये आई नहीं बोलना, आई नहीं मम्मी, यस ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, देखा ये मेरा बेबी है। भाई तुम लेट क्यों आए हो? हम लेट नहीं आए भाई, तुम लेट आए हो। एक 8:30 से वेट करे, 9:30 हो गए यार। अब चलो चले गए, कोई नहीं यार, आज के लिए नॉर्थ दिल्ली से यहाँ पर आ गए, आपको वेस्ट दिल्ली से बाहर नहीं निकला जा रहा। कोई बात नहीं, आज पहली बार ही ना लड़की थोड़ा सा लेट हो गई है, तो आज एक्सक्यूज कर दो, सब माफ है। आई नहीं, लाओ दे दो दे दो दे दो, मैं कहूँगा मेरे लिए कुछ भी माफ नहीं है, मेरे लिए कुछ माफ नहीं है, मैं मतलब गरीब आदमी। अभी तेरे को बताते तो कितना परेशान करे लड़की को, दो दिन से सब देख रहे हैं वीडियो में। हमने क्या खाना है? चिकन। भाई मैंने नहीं खिलाना चिकन, चुकन हम नहीं खाते चिकन। पापा खाते नहीं चिकन? पापा खाते नहीं, पापा नहीं खाते। भाई शादी का झूठा तो नहीं खाया तूने? मम्मी पापा तो खाते नहीं ना, मम्मा खाती है। भाई ये लड़की कह रही है कि मेरे को वाडी लाल की आइसक्रीम खानी है। अब दिल्ली के अंदर वाडी लाल की आइसक्रीम तो मिलती नहीं है, मिलती है भाई? नहीं कहाँ खड़े हुए थे? चांदनी चौक खड़े थे ना, उसी जगह। अब लड़की की डिमांड है कि भैया मेरे को ना आइसक्रीम खानी है तो सिर्फ वाडी लाल की खानी है, इसको ना हैवमोर की पसंद है, ना मदर डेरी की पसंद है, ना ही क्वालिटी वॉल्स की पसंद है। हम सोचते थे सिर्फ दिल्ली वाले ही चूजी और शौकीन है, चंडीगढ़ वालों ने दिल्ली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वो कौन सी है? वो कौन सी है, कहाँ पर है? और कुछ और है, कुछ और ब्रांड अमूल नहीं है, कोई और ब्रांड है। क्या वाडी लाल क्या है? वैसे एक बात बताऊँ, अभी तक देखो हम चांपा वगैरह खा रहे थे, मोमोज खा रहे थे, तो बड़ी शांत होके बैठी हुई थी, वाडी लाल का समथिंग बोलना शुरू हो गई है। यार मैंने जितनों को भी खिलाई है ना वाडी लाल आज तक, हाँ और सबको अच्छी लगी। कोई बात नहीं, आज हम भी ट्राई, अगर हमें मिल गई तो ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं मिली तो नहीं मिली तो फिर चांदनी चौक लेके चलते हैं। चांदनी चौक भाई, इतनी डिमांड है मत पूरी करो, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा भाई। वैसे यहाँ खड़े होता था बंदा वाडी लाल वाला, बट खड़ा नहीं है, यहाँ खड़ा होता था वाडी लाल वाला इस मंदिर के बाहर, बट नहीं खड़ा हुआ, अब क्या करें, कहीं भी नहीं होता, किसी से पूछ तो ना, किसी से पूछ ले, आइसक्रीम वाले से पूछ लो शायद उसको आईडिया हो। इस साइड चलते हैं, पंजाबी बाग है इस साइड पे,
थोड़ा इस साइड पे आइडिया लेते हैं कि अगर हमें इस साइड मिल गया तो। ओए अर्णव, चिकन खा, चिकन मिल गया तेरे को? वैसे नेसेसरी नहीं है, प्लीज कि इतनी दूर जाना देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब लड़की थोड़ा सा वाटीलाल के नाम से खुश हो गई थी तो हम ट्राई कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, अगर हमें मिल गई तो देखते हैं। ऐसे दिल्ली के अंदर वाटीलाल मिलता नहीं है जल्दी से। हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो। मैं जो मतलब मैं जो भी खाती हूँ ना, मैं उसमें से काफी ज्यादा वो निकाल सकती हूँ कि इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, तो ये सब याद रहता है। तो मतलब मैं फूडी पर्सन, तो फूडी हो, चलो बढ़िया है। ऐ भी चटोरा एक चटोरी और ना ला। हां सही बात है। बट भाई ये चटोरी ना सिर्फ बर्गर मांगती है। अच्छा। कहती है बर्गर खिला दो और बर्गर, ओए वाटीलाल 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 वाटीलाल। क्या कह रही है तू? मैं क्या अभी मैं ढूंढ, वो कह रहे थे कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा किसी बेकरी पे किसी शॉप पे। हाँ। बट मैंने कहा अभी मैं ढूंढने पे नहीं आई हूँ, जब मैं ढूंढने पे आई तो वाटीलाल ढूंढ लूंगी। ये जज्बा चाहिए था हमें। बट चाहिए वाटीलाल ही। दो खा रही है, एक चंडीगढ़ की एक दिल्ली की। हाथ में तीन दिन पकड़ी हुई उसने। तो दमन की है। देखो अपनी भी मेरे मेरे डाल के दिखा रहे ब्लॉग में। तीन तीन भाई मैंने ना छोटी सी डिमांड रखी है, डिमांड यही रखी है कि मुंह दिखाई अगर लड़की की लेनी है तो थोड़े बहुत भाई मेरे को सब्सक्राइबर तो बढ़ाने की है। 20,000 तो होने वाले हैं भाई, 25,000 थोड़ी ज्यादा रखी है मैंने डिमांड। क्या बात है, डिमांड मैंने थोड़ी बड़ी रखी है भाई, तो 1,000। हाँ मेरी तो अच्छे से सब्सक्राइब करो, अर्णव की बहुत प्यारी चाची है, सबको अच्छा अच्छा देखना है तो फटाफट सब्सक्राइब करो। मेरी बात सुन, जब ये सारे लोग फटाफट 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे ना, फिर हम अपना वेडिंग वाला व्लॉग डालेंगे। ये बोलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो, और उसके बाद हम रोज जाएंगे वाटीलाल खाने। वाटीलाल भाई साहब सबको बहुत ज्यादा वाली पसंद आ गई है। वैसे मेरे को हैवमोर ही अच्छी लगती थी, बट आज मेरे को वाटीलाल भी अच्छी लगी है। तो अब लड़की के चक्कर से वाटीलाल खाने में वहां जाना पड़ेगा थोड़ा सा दूर। सो ऑल एंड ऑल हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारी बात समझ आ गई है तो फटाफट से यार सब्सक्राइब करवा दो 25,000 तक, और उसके बाद ही हम इसको रिवील करेंगे इसका फेस, उससे पहले नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे को मुंह दिखाई चाहिए और चाहिए। ठीक है ना भाई, मिलेगी 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 मिलेगी। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, आई लव यू, बाय। चलो अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है।